नमस्कार दोस्तों, आज मैं राजेश व्यास वास्तुविद आपके लिए लाया हूँ किस प्रकार हम हमारे घर में पैसे की रक्षा करें और धन की वृद्धि करें। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे घर में सही तरीके से हमारे धन का मैनेजमेंट करें। एक मैनेजमेंट करना और वास्तु के द्वारा धन को सुरक्षित करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यदि हम हमारे घर के अंदर कुबेर, यक्षराज कुबेर को स्थान देते हैं और हमारे घर के अंदर हम सही जगह पर धन रखते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत फायदा होता है। जिस प्रकार ईशान कोण के लिए हमने मंदिर का निर्धारण कर रखा है और अग्नेय कोण के लिए हमने रसोई का निर्धारण कर रखा है, उसी प्रकार हमें हमारे घर के धन के लिए भी एक स्थान निर्धारित वास्तु के अंदर कर रखा है। हमें वो ज्ञात करना है कि कौन से स्थान पर हम वह धन रखें। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घर में एक कोना होता है जिसे बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम का कोना, अर्थात नैऋत्य कोण। यदि हम नैऋत्य कोण में हमारे धन को, अर्थात धन भी दो प्रकार का होता है, एक चल संपत्ति एक अचल संपत्ति। अचल संपत्ति में हमारे वह जो जमीन के कागजात है, सोना है, चांदी है, सिक्के हैं, चांदी के बर्तन हैं, वो सभी नैऋत्य कोण में रखे हैं। और हमारे घर के रूटीन के, जिस प्रकार अखबार वाले को हम पैसा देते हैं, दूध वाले को देते हैं, सब्जी वाले को देते हैं, अर्थात वह संपत्ति जो हमारे रेगुलर काम आती है, पूरे दिन भर में काम आती है, उसके लिए हमें यक्षराज कुबेर के स्थान उत्तर दिशा के अंदर बना के वहां पे रखना चाहिए। मैं कहता हूं दोस्तों, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए, जल्दी ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरी लिखी खुशियों का वास्तु पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, मुझे आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। मेरे फोन नंबर, मेरे मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर 9530217999 पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।